आज मैंने बनाया सांवर चावल और ये सैलेड है, और मैं दिखाती हूँ उसकी रेसिपी आपको। चलिए देखते रहे। हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही सांवर। इसके लिए मैंने हरी सब्जियाँ काटी है। ये देखिए, ये सीताफल है, टमाटर है, हरी प्याज है, और मैंने गाजर, तीन मैंने हरी मिर्च ले ली है। गाजर मैंने एक ले लिया बड़ी वाली, और दो बड़ी हरी मिर्च है, प्याज है बड़ा वाला, ये करी पत्ता है, और ये तेज पत्ता है। ये देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन रख दिया है। अंडा दे दिया, ये मस्टर्ड, मुझे किस तरीके से चटकने की आवाज आ रही है। ये मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची, काली ज्यादा मिर्ची, ये हींग है, ये वाली हींग डालेंगे, ये कड़ी पत्ता है, मीडियम साइज के मैंने प्याज काट लिए थे, ये थोड़ी सी मिर्ची है सूखी हुई थी, दो मिनट से ये बड़े खड़े मिर्च काटी थे हमने, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी, क्योंकि हमने ब्राउन नहीं करनी है प्याज, हमें इस तरीके से बनानी है जो हमारा क्रंच का रहे। रेड चिली, ठीक है, चिली मेथी अभी क्रश कर लिया था, ये टमाटर है, और एक हरी प्याज है। टमाटर हमें इसी साइज में चाहिए, हमें छोटे नहीं काटे, बड़े साइज में चाहिए, क्योंकि हमें सांभर बनाना है। और इसी तरीके से आप दोस्तों बनाएंगे तो बहुत प्यारा सांभर बनेगा। कभी भी सब्जी मैरिज होगी आपकी, दाल में गाजर डाल दिए, ये तीन कली लहसुन की डाल रही हूँ, ये पत्ते भी तीन से लग जाएगा। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। फ्लेवर बढ़ाने के लिए थोड़ी काली मिर्च डाल रही हूँ, इसके साथ धनिया है, सब्जी में भूनने के लिए डालना है, ये थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, जिससे कि हम इमली डका पानी डालेंगे तो हमें खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा हल्का सा। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, जैसे हमारी चीटी की आवाज आ रही है ना, ये दबा दिए, मैंने दाल उबाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी, सब्जी और है जो ये इसकी शान चौकट सब बढ़ा देगा सांभर की। इसमें डालूंगी थोड़ा नमक, क्योंकि नमक मैंने दाल में डाल चुकी हूँ, इस वजह से इसमें कम नमक डालूंगी, बढ़ के जाएगा सांभर मसाला। इसमें जाएगा इमली का पानी, जो मैंने पहले से ही भिगो के रख दिया था, मैंने मसाले से छान के डाल दिया है। अब इसे थोड़ा पानी डालूंगी, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, खड़ी खड़ी हमें सब्जी चाहिए, जो कि हमें सब्जी दिखाई दे सांभर में। ये मैंने प्याज इतना बड़ा बड़ा इस तरीके से काट लिया था, जिससे कि हमारा ना एक ऐसी खड़ा खड़ा दिखाई दे सांभर में, और ये बहुत अच्छा दिखाई देगा। मैं अब इसमें डाल देती हूँ टुकड़े के साइज में। फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए, बनाइए, कमेंट पे बताइए कैसा लगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरी वीडियो, और बेल आइकन ना दबाना भूलिए, जिससे कि मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। एक बात और ट्रिक बतानी है आपको, ये मेरी ट्रिक है, जब भी मैं पालक, हरी सब्जी या धनिया वगैरह लाती हूँ तो ये मैं अखबार में लपेट देती हूँ, इसको फोल्ड कर देती हूँ, जिससे कि हमारी सब्जियाँ ऐसी ही रहती हैं, खराब नहीं होती। गर्मी का टाइम है, ये मैंने पपीता भी इस तरीके से ही मतलब फोल्ड कर दूंगी, तो ये सब्जी कभी खराब नहीं होगी, ना ही मच्छर लगेंगे। ये मैंने 200 ग्राम दाल ली है, इसको मैं बॉईल कर लूंगी, हरहर की दाल है, जिसको तुवर दाल बोलते हैं। फ्रेंड्स, एक चम्मच नमक डाल दूंगी। अब इसको बॉईल करने के लिए तीन या चार सीटी लगाऊंगी, जिससे हमारा दाल एकदम सही से उबल सके। ये प्याज काट लिए मैंने छोटा छोटा, इतना ज्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज में। कद्दू काट लिया है, एक गाजर है, टमाटर है, और ये मेरा मसाला है सारा। मैं थोड़ी सी मेथी डालूंगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स, हमें इसी ही कंट्री में चार दाल चाहिए थी पतली, अगर ये ऐसी ना होती, खड़ी खड़ी दाल होती तो मैं इससे थोड़ा सा
मसलती, कुछ खड़ी, कुछ पतली, इसी तरीके से रेस्टोरेंट वाले बनाते हैं। तो हमें यही चाहिए था, लेकिन मेरे कुकर में सही से हो गया है। ये देखिए बिल्कुल पतली हो गई है, अब इसको मैं सब बंदे तक इसमें ट्रांसफर करूंगी। इसमें चावल डालिए। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी रेडी है, अब इसे हम दाल में ट्रांसफर कर देंगे। फ्लेम कर देती हूँ मैं ऑफ। फ्लेम कर देती हूँ ऑन। पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, पकाएंगे। ये थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ मैं, जिससे कि गाढ़ापन, पतला पतला सांभर अच्छा लगता है। ये गाढ़ा है, जैसे कि सब्जी हमारी दाल में मेल्ट हो जाए। इस तरीके से मैंने पका थोड़ी देर के लिए रख दिया है। देखिए चावल भी रेडी है ना, बिल्कुल रेडी है, पक चुका है कितना हमें पकाना था। अब मैं फ्लेम ऑफ करती हूँ। अब मैं सर्व करके दिखाऊंगी आपको। सांभर राइस फ्रेंड्स, बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बनाती हूँ। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एक हाथ में मेरा फोन रहता है और एक हाथ से मैं काम करती हूँ। रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट्स करके जरूर बताइए कैसा बना, ट्राई जरूर कीजिए। बाय बाय।